सो मैं डायरेक्टली इससे स्टार्ट करूँगी. आई हैव एक्चुअली यूज इट क्वाइट अ बिट, बट मेजर पॉइंट है ये दिखाने का जो मैं अब करने जा रही हूँ. एंड ट्राई टू अप्लाई ऑन दी वाटर लाइन. यू कैन सी द डिफरेंस. दिस हैज़ नथिंग एंड दिस हैज़ ब्राउन काजल. इस काजल का जो शेड है ना वो इससे हल्का सा ही डार्क है, इसलिए शायद ये प्रॉपर तरीके से पता नहीं लगता है. और इसको वाटर लाइन में लगाने में भी डिफ़िकल्टी होती है. सो आई ट्राई दिस साइड अगेन. दिस रिक्वायर्स एफर्ट्स बट यू गोना डील विद इट, क्योंकि है मेरे पास ये. तो अब मैं क्या करूँगी, अपनी आई लुक कम्प्लीट करूँगी. मैं इसी से अपना आई लाइनर करूँगी. सो टेकिंग द सेम टिप and I'm going to apply it as a eyeliner. Now you can see that this is a really light shade of brown, really almost like a cool tone brown. मेरे पास इस काजल के साथ ना और कुछ करने को है नहीं, because इसके साथ मैं क्या लुक बनाऊं, इस शेड के साथ मैं क्या लुक बनाऊं, यू टेल मी. मैं ये वाली आई भी कंप्लीट करती हूँ. यू कैन सी द लुक, इट इज़ नॉट बैड, इट इज़ एक्चुअली नाइस. मतलब मेरा जो वाटर लाइन है वो डिफाइंड लग रही है. बस ये वैसा वाला ब्राउन नहीं है जैसे मुझे एग्जैक्ट पसंद है. जैसे लैक्मे का जो ब्राउन काजल आता है आइकॉनिक रेंज में, वो मुझे ज़्यादा पसंद है शेड वाइज और बाकी सारी वाइज भी. जब भी इस काजल को यूज़ करती हूँ तो ऐसे ही करती हूँ वाटर लाइन में, और थोड़ा सा बाहर इसको निकालती हूँ, आईलाइनर लगाती हूँ. अब मैं लगाऊंगी वाटर लाइन में ब्लैक काजल. हियर आई एम डूइंग माय मस्कारा. हेलो वर्ल्ड, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ में एक बेल बटन भी होगा उसको भी हिट कर देना, सो दैट कोई भी न्यू वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. नाउ टुडेज़ वीडियो इज़ अ पार्ट ऑफ माय सीरीज़ कॉल्ड इज़ इट वर्थ इट, जिसमें मैं आपको 500 से ज़्यादा रुपये की चीज़ों का रिव्यू देती हूँ कि वो वर्थ इट है या नहीं है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. अब इस वीडियो में जितने भी मैं अपने व्यूज़ दूँगी वो पर्सनली मेरे अपने ओपिनियंस एंड रिव्यूज़ है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल थिंग्स. मैं प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को यूज़ करती हूँ, उसके बाद आपको रिव्यू देती हूँ. उसके बाद भी अगर ये आपको पसंद आता है या आप ट्राई करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो. इट्स योर मनी, योर डिसीजन. बट अदरवाइज इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सीइंग माय रिव्यू देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. नाउ फॉर दिस वीडियो आई हैव चूजन दिस. सो दिस इज़ द माई ग्लैम जेट सेट आईज काजल आई लाइनर, एंड दिस इज़ इन द शेड रन और समथिंग लाइक. जो शेड का नेम है वो बहुत ही अजीब है प्रोनंसिएशन में, बट BRUN, दिस इज़ द शेड नेम एंड दिस इज़ एक्चुअली एन ब्राउन कलर. टॉकिंग अबाउट इट्स पैकेजिंग, इट्स रियली नाइस, लुक्स रियली क्लासी. जो उनकी सिग्नेचर पैकेजिंग है माई ग्लैम की, वाइट वाली, वही है ये. एंड इट्स ये रिट्रैक्टेबल पैकेजिंग में है तो ये और भी अच्छा है. मुझे बहुत पसंद है जब काजल और आई लाइनर्स रिट्रैक्टेबल फॉर्म में होते हैं. अब इसके साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे इस बात की है कि जो इसका प्राइस है वो 750 रुपये है, मतलब जो MRP है. और जब डिस्काउंट्स होते हैं तो मैक्सिमम मैंने इसमें 200-250 रुपये ही ऑफ देखे हैं. तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक 500 रुपये आप इसको अप्रॉक्स में ले सकते हैं, बिकॉज डिस्काउंट्स यूजुअली रनिंग में रहते ही हैं. 500 रुपये का होने के बावजूद इट इज़ नॉट इनफ पिगमेंटेड. लाइक यू कैन सी काजल आईलाइनर है, इसको फिर दोनों काम करने चाहिए बिकॉज वी आर पेइंग फॉर दैट. काजल के तरीके से तो नो डाउट ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि 500 रुपये के अकॉर्डिंग ये अच्छा नहीं है. इट्स बेटर कि आप ब्लू हेवन में जाओ, वहाँ 100-150 रुपये में आपको अब अच्छे काजल मिल जाते हैं. आई एम पेइंग 750 MRP स्टारमार्क ऑब्वियसली, एंड आई नीड टू गेट द पिगमेंटेशन. और ऐसा भी नहीं है कि ये पूरा स्मूथली ग्लाइड होता है, इट टेक्स अ लिटिल एफर्ट. इवन आप इसको आईलाइनर लगाओगे तब भी, आप इसको काजल लगाओगे तब भी, इट इज़ अ थिक काजल, ओके. और अगर हम बात करें इसके लॉन्ग लास्टिंग होने की, तो ये है लॉन्ग लास्टिंग, बट लगाते ही तो आपको ये मतलब हट जाता है. यू कैन सी आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है. जैसे मैंने इसको थोड़ी देर पहले लगाया था
तो अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा. ओके, सो यस, इट टेक्स अ बिट टाइम. इट्स ऑल राइट स्टिल, इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट विद दैट यू कैन डू दैट. लाइक मैं तो अभी भी इसको यूज़ करती हूँ क्योंकि मैंने ख़रीदा है, तो मैं इसको यूज़ करूँगी ही. जैसे कि मैंने आज वाली आई लुक की है, इसी के साथ की है. अगर आपने ले लिया है तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो जैसे मैंने आज किया. मैं डेमो में दिखाऊंगी आपको. अदरवाइज़ यू कैन सीरियसली टोटली स्किप दिस. आई नो एक काजल पे पूरी वीडियो डेडिकेट करना इज़ अ बिग थिंग, बट मैं चाहती थी कि अगर आप इतना महंगा कुछ निकाल रहे हो तो उसमें कुछ होना चाहिए. बट नेवर माइंड, आई रियली लाइक द पैकेजिंग एंड लाइक थोड़ा बहुत तो काम हो ही जाता है. सो हियर वी कंप्लीट द वीडियो. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपको पता चल गया होगा कि आपको इस काजल को लेना है या नहीं लेना. तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस काजल से रिलेटेड या और भी किसी चीज़ से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी. साथ ही मैं जितने भी ज़रूरी सोशल मीडिया लिंक्स हैं या अदर जितने भी लिंक्स हैं, यूजफुल लिंक्स, मैं सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हो. सो मैं मिलूंगी आपको किसी और वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ. टिल देन बाय. अगर आपको ऐसे ही इज़ इट वर्थ इट वाली वीडियो सीरीज़ देखनी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, लेकिन अगर आपको हेयर केयर देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो.